हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए टिप्स लेके आई हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हैंडराइटिंग की वीडियो लेके आएँ, तो इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि कैसे अपने लिखावट को सुधारें, हाउ टू इम्प्रूव हैंडराइटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। हैंडराइटिंग को सुधारने में सबसे पहले बात आती है कि हम पेन कौन सा यूज़ करें। तो मैं बता दूँ कि पेन चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, चाहे 5 रुपये का पेन हो, चाहे 10 का पेन हो, चाहे 100 का पेन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी हैंडराइटिंग किससे अच्छी बनती है ये मैटर करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महंगी पेन से अच्छी राइटिंग बनेगी, सस्ती पेन से अच्छी राइटिंग नहीं बनेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो राइटिंग सस्ते पेन से अच्छी बनती है वो मेरी महंगे पेन से नहीं बनती। तो कहने का मतलब ये है कि आप वही पेन यूज़ करो जिससे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी बनती हो। इसके लिए आपको पेन के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सी पेन मेरे लिए अच्छी है। आप तरह तरह की पेन यूज़ करें, जेल पेन यूज़ करें, डॉट पेन यूज़ करें, पायलट पेन यूज़ करें, 2 रुपये वाली पेन यूज़ करें, 10 रुपये वाली पेन यूज़ करें, 20 रुपये वाली पेन यूज़ करें। इससे पता करें कि कौन सी पेन मेरे लिए अच्छी है, किस पेन से मेरी हैंडराइटिंग अच्छी बन रही है। इतने सारे पेन से किसी से भी तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी बनेगी, तो आप उस पेन को चूज़ कर लें। लेकिन पेन चूज करते समय ये बात याद रखिएगा कि वो पेन स्मज ना हो, इंक ना छोड़े, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप हमेशा के लिए वही पेन यूज़ करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। एक बार जब आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी तो आप कोई भी पेन यूज़ करेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग इससे अच्छी बनेगी। ये तो रही पेन की बात, चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है कि हम कौन से हैंडराइटिंग स्टाइल्स को फॉलो करें। देखिए, हैंडराइटिंग स्टाइल सबकी अलग अलग होती है, हैंडराइटिंग स्टाइल सबकी पहचान होती है। तो यहाँ मैं बोलूँगी कि आप मल्टीपल स्टाइल्स को अवॉइड करें। अगर आपने कहीं कर्सिव हैंडराइटिंग देख लिया तो आप उसे लिखने लगें, कहीं आपने प्रिंट हैंडराइटिंग देख लिया तो आप उसे लिखने लगें, कहीं आपने सिंपल हैंडराइटिंग देख लिया तो आप उसे लिखने लगें, ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आप तरह तरह की हैंडराइटिंग स्टाइल लिखोगे तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आपको एक पे ही फोकस करना है, आपकी जो हैंडराइटिंग स्टाइल है आप उसे ही फॉलो करें। उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई स्टाइल पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए ईजी है, तो आप उस हैंडराइटिंग स्टाइल को चूज़ कर लीजिए। या फिर मेरे वीडियो में से आपको जो हैंडराइटिंग पसंद है आप उसको चूज़ कर लीजिए। लेकिन मल्टीपल स्टाइल को बिल्कुल भी अवॉइड करना है। ये तो रही हैंडराइटिंग स्टाइल की बात कि हम कौन सी हैंडराइटिंग स्टाइल को फॉलो करें। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है कि हम पेन को कैसे पकड़ें। देखिए, पेन को पकड़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कोई पेन ऐसे पकड़ता है, सबकी अलग अलग पेन को पकड़ने का स्टाइल होता है। तो आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से ही पेन को पकड़ें, ठीक है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि इन दोनों के बीच में एक ऑप्टिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नहीं ज़्यादा आगे हो, नहीं ज़्यादा पीछे हो, एक बीच, एक कंफर्ट के हिसाब से आपको पकड़ना है। मेंटेन योर रिलैक्स्ड ग्रिप, ओके। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको एकदम पेन को एकदम जोर से नहीं पकड़ना है, ताकि आप थोड़ा सा भी अगर आप लिखेंगे तो आपके हाथ दर्द करने लगेंगे। तो ये बात आप हमेशा याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है प्रैक्टिस अल्फ़ाबेट्स। देखिए, हैंडराइटिंग को सुधारने में अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अल्फ़ाबेट्स ही तो हैं जो हमारी हैंडराइटिंग को अच्छे बनाएंगे, तो आपके लेटर अच्छे होने चाहिए। तो आप रोज़ अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपने जो भी अल्फ़ाबेट्स गलत लिखा है उसको आप अलग कीजिए। अगर आपने जी गलत लिखा है तो उसे अलग कीजिए, अगर आपने एम गलत लिखा है तो उसे अलग कीजिए। जो भी आपने अल्फ़ाबेट्स गलत लिखा है उसे अलग करके उस पर काम कीजिए, उसको सही करने की कोशिश कीजिए। एक बार जब आपकी अल्फ़ाबेट्स सही हो जाएगी तो आपकी हैंडराइटिंग में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है प्रैक्टिस स्ट्रोक्स। देखिए, स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करने से आपकी हैंडराइटिंग पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, और साथ ही साथ आपकी स्पीड भी अच्छी होगी। देखिए, सिर्फ और सिर्फ हैंडराइटिंग अच्छी हो जाए ये काफ़ी नहीं होता, उसके साथ साथ स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो आप स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आप धीरे धीरे लिखिए, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप ये स्ट्रोक्स लिखने लगेंगे। मैंने अपने ये चैनल पे स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस डाला हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा।
ठीक है, जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके हैंडराइटिंग पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये तो रही स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस की बात, चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है कि जब भी आप लिखें तो हमेशा नोटबुक पे ही लिखें, सिंगल पेज उठा के मत लिखिएगा, क्योंकि सिंगल पेज पे बिल्कुल भी पेन नहीं चल पाएगा, ना ही आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो पाएगी। तो मैं प्रीफर करूँगी कि हमेशा आप नोटबुक भी लिखिए जिसमें बहुत सारे पेज हो। ठीक है, देखिए मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इन छोटी छोटी चीज़ों से ही आपके हैंड राइटिंग पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। एनीवे चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है कि कॉपी के पेज का भी फर्क पड़ता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने दो कॉपीज रखी हुई हैं, एक जो है एकदम स्मूथ है और एक थोड़ी सी इससे डल में आएगी, और इसकी लाइन थोड़ी डार्क है और इसकी लाइन थोड़ी लाइट है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको पेन के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, वैसे ही आप कॉपी के साथ भी एक्सपेरिमेंट करोगे। आपको पता करना पड़ेगा कौन सी कॉपी मेरे लिए अच्छी है। जैसे बहुत सारे लोग को स्मूथ कॉपी पे उनकी पेन नहीं अच्छे से चल पाती है, तो आपको वही चूज़ करना है कि कौन सी कॉपी मेरे लिए अच्छी है, ज़्यादा थोड़ी डल वाली जो इसकी जिसकी लाइन डार्क है, या फिर थोड़ी स्मूथ, बहुत ज़्यादा जो स्मूथ वाली कॉपी होती है वो आपके लिए अच्छी है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, शायद बहुत सारे लोग को नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है कि लेटर्स के बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए। देखिए, लेटर्स के बीच में नहीं ज़्यादा स्पेस हो और नहीं कम स्पेस हो। जैसे कि आप फर्स्ट लाइन में देख सकते हो कि मैंने कैसे लिखा हुआ है, इसमें जो लेटर्स है ना ही ज़्यादा दूर दूर है, ना ही ज़्यादा चिपका चिपका के लिखा हुआ है। ठीक है, एक मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए ताकि वो देखने में अच्छा लगे। सेकेंड लाइन में आप देख सकते हो कि लेटर्स एकदम चिपका चिपका के लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखना है आपको। थर्ड लाइन में आप देख सकते हो कि लेटर्स एकदम दूर दूर लिखा हुआ है, ऐसा भी नहीं लिखना है आपको। एक मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए ताकि वो देखने में अच्छा लगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरी वीडियो में भी जाके देख सकते हो कि मैं कैसे लिखती हूँ। ओके, उसी तरह वर्ड्स के बीच में भी एक मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, नहीं ज़्यादा दूर दूर हो, नहीं ज़्यादा चिपका चिपका के लिखना है आपको। जैसे सेकेंड लाइन में जैसे मैंने लिखा हुआ है एकदम चिपका चिपका के लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखना है आपको। ठीक है, अब आप थर्ड लाइन में देख सकती हो कि जो वर्ड्स से एकदम दूर दूर लिखा हुआ है, ऐसा भी नहीं लिखना है आपको। देखिए, वर्ड्स के बीच में उतनी दूरी होनी चाहिए ताकि वो देखने में हैंड राइटिंग अच्छा लगे। इस बात का ख्याल रखिए कि ना ही ज़्यादा दूर दूर हो, ना ही ज़्यादा पास में, एक मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरी वीडियो में भी जाके देख सकते हो कि कैसे मैं लिखती हूँ, कितनी स्पेस होनी चाहिए ताकि आपके हैंडराइटिंग पर इससे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है कंसिस्टेंसी। देखिए, आपकी हैंडराइटिंग में कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्थिरता। जैसे कि लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि इसमें जो लेटर्स हैं, जो शेप्स हैं, एकदम आइडेंटिकल हैं, सारे एक स्लैंट से लिखा हुआ है, कहीं लेफ्ट स्लैंट से नहीं लिखा है, कहीं राइट स्लैंट से नहीं लिखा हुआ है, सारे एक ही स्लैंट से लिखा हुआ है। लेटर्स भी एकदम सेम है और इसमें स्पेस भी एकदम सेम है। ठीक है, यही कंसिस्टेंसी होता है कि आपके हैंडराइटिंग में काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। अब राइट साइड में जैसे मैंने लिखा हुआ है, इसमें जो लेटर्स हैं कभी बड़ा लिखते कभी छोटा, अब लेफ्ट साइड में देखोगे कि इसमें एकदम सेम है, एक ही स्लैंट से लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस स्लैंट से लिखना चाहते हो, लेफ्ट स्लैंट से लिखना चाहते हो या फिर राइट स्लैंट से या फिर स्ट्रेट। ठीक है, कहीं आपने अगर लेफ्ट स्लैंट से लिखना शुरू कर दिया, कहीं राइट स्लैंट से लिखना शुरू कर दिया, तो इससे आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आप किस स्लैंट से लिखना चाहते हो, लेफ्ट स्लैंट से या फिर राइट स्लैंट से, आपकी हैंडराइटिंग में कितना स्पेस है। ठीक है, आपके लेटर्स और वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस है, कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है। ठीक है,
जैसे मैंने लेफ्ट साइड से लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में वैसे ही आपको लिखना है, एक आइडेंटिकल होना चाहिए। इन सारे में एक चीज़ कॉमन है, वो है प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। अगर आपको लगता है कि मुझे बिना प्रैक्टिस के मेरी हैंडराइटिंग सुधर जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके हैंडराइटिंग में सुधार आएगा। अगर आप एक पेज नहीं लिखना चाहते हो, तो सिर्फ एक ही लाइन लिखो, लेकिन लिखो, ठीक है। जितना अच्छे से बना के लिखना है, उतना अच्छे से बना के हैंडराइटिंग लिखो। एक लाइन नहीं लिखो, लेकिन लिखो। पहले दिन आप एक लाइन लिखेंगे, फिर देखेंगे दूसरे दिन आप दो लाइन लिखेंगे, तीसरे दिन आप तीन लाइन लिखेंगे, फिर ऐसे करते करते आप एक पेज लिखने लगेंगे। रोज़ आप प्रैक्टिस करिए, चाहे एक लाइन में प्रैक्टिस करिए या दो लाइन प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों में पेशेंट भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज थिंग्स टेक टाइम टू बिकम ए हैबिट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट विद द प्रैक्टिस। सो स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव। इसमें पॉजिटिव रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरी हैंडराइटिंग कभी अच्छी नहीं हो पाएगी, बल्कि आपको ये पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि मेरी भी हैंडराइटिंग एक दिन अच्छी होगी। सो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके हैंडराइटिंग में सुधार आएगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब भी आप लिखें, तो हमेशा अपने सामने एक टाइमर लगा दें। देखिए, टाइमर से ही पता चलेगा कि आपने पहले दिन कितने स्पीड में लिखा है, और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपकी स्पीड कितनी है। देखिए, पहले ही मैंने बताया था कि सिर्फ हैंडराइटिंग अच्छी हो जाए ये काफ़ी नहीं होता, उसके साथ साथ स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो टाइमर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपके स्पीड के बारे में पता चलेगा। सो प्रैक्टिस करते रहिए, बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट, स्टे फोकस्ड। जो भी मैंने टिप्स बताए, अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करेंगे, तो 15 दिन में आपको खुद ही पता चलेगा कि आपकी हैंडराइटिंग में क्या चेंजेस आई हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफ़ी हेल्पफुल मिली होगी। मैंने इस वीडियो में अपने 100% देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई लूप होल्स देखने को मिलता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकूँ। और ये भी बताइएगा कि आपने टिप्स फॉलो करके कितना चेंजेस आया है। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।